हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता की वीडियोस। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हरी मिर्च की सब्जी। फ्रेंड्स, आज मैं मोटी हरी मिर्च की सब्जी बनाने वाली हूँ, जो कि बेसिकली अचार के लिए यूज़ होती है, बट इसकी सब्जी भी बहुत ही डिलीशियस बनती है। सो लेट्स स्टार्ट। मिर्च को मैंने 3 से 4 बार अच्छे पानी से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इसे राउंड शेप में कट कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह की शेप में मैंने कट कर लिया है मिर्च को। तो सारी मिर्च मैं इसी तरह से कट कर रही हूँ। तो अभी मिर्च तो कट कर रेडी है, और अब मैं कट करूँगी प्याज। प्याज मैंने यहाँ पर 200 ग्राम लिया है, और प्याज को भी मैं यहाँ पर लंबे स्लाइसेस में काटने वाली हूँ। देखिए इस तरीके से, अकॉर्डिंग टू चॉइस। अगर आप बारीक काटना चाहते हैं तो भी चलेगा, बट मैं यहाँ पर लंबे स्लाइसेस में काट रही हूँ। तो अभी प्याज और मिर्च दोनों कट कर रेडी हो गए हैं, और इस सब्ज़ी में मैं ना ही कोई टमाटर, लहसुन या फिर अदरक कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ। ओनली मैंने यहाँ पर प्याज ही लिया है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में। और अभी मैंने यहाँ पर गैस पर रख दी है कढ़ाई, जो कि गर्म हो रही है। तो अब मैं इसमें लगा देती हूँ मस्टर्ड ऑयल, और अभी ऑयल भी हीट करने लग गया है। तो अब मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ प्याज, और यहाँ पर मैंने तड़के में कुछ भी यूज़ नहीं किया है, जैसे कि ज़ीरा या फिर कोई भी मसाला यहाँ पर नहीं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट प्याज डाल दिया है। प्याज मैं यहाँ पर लो फ्लेम पर गोल्डन होने तक फ्राई कर रही हूँ। अभी यहाँ पर प्याज लाइट गोल्डन फ्राई हो गया है, ये देखिए इस तरीके से। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, क्योंकि मिर्च के साथ भी थोड़ी देर फ्राई होगा तो काफ़ी ज़्यादा फ्राई हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसे गोल्डन लाइट ही फ्राई किया है। और अभी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मिर्च। मिर्च और प्याज दोनों को भी फ्राई करना है, और मसालों का यूज़ मैंने यहाँ पर अभी नहीं किया है। जब दोनों फ्राई होंगे हल्का सा, तब इसमें मसाले यूज़ करूँगी। अभी प्याज और मिर्च दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो चम्मच को मैंने अच्छे से चला दिया है, और मैं इसे कवर कर देती हूँ। मिर्च भी लाइट सॉफ्ट हो जाएगी, तब मैं इसमें मसाले यूज़ करूँगी। अभी 3 मिनट्स हो गए हैं, तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ मिर्च सॉफ्ट हुई है नहीं। तो अभी देखिए मिर्च का कलर चेंज हो गया है, यानी कि सॉफ्ट हो गई है। और अब बारी आती है मसालों की। मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है सरसों। सरसों मैं यहाँ पर दरदरा यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं किया है मैंने। और सौंफ, सौंफ मैंने यहाँ पर 2 चम्मच यूज़ किया है। अगला है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच यूज़ किया है। और हल्दी, हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा यूज़ किया है। नमक, नमक मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच लिया है, बट नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ करें यहाँ पर। और मसालों को डालने के बाद मैं यहाँ पर चम्मच को अच्छी तरह से चला देती हूँ, और गैस का फ्लेम जो है मैंने यहाँ पर लो ही रखा है। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 2 से 3 इस तरह पीसेस में कटे हुए आंवला। सब्जी में आंवला यूज़ करने से सब्जी का टेस्ट जो है बहुत ही डिलीशियस होने वाला है। एट ए टाइम अगर आपके पास आंवला नहीं अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी सब्जी का टेस्ट अच्छा आएगा। और यहाँ पर आंवला मैंने मिक्स कर दिया है, और चम्मच को अच्छी तरह से चला देती हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैं इसे कवर कर देती हूँ, और गैस का फ्लेम जो है मैंने स्टार्टिंग से ही लो रखा है, तो ये सब्जी जो है लो फ्लेम पर ही पकेगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और पानी का यूज़ मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया है, तो इसी तरह से पकाना है। सब्जी को मैंने यहाँ पर 5 मिनट तक पकाया है कवर करने के बाद। तो ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए सब्जी पककर तैयार है। बीच बीच में मैंने सब्जी को 1 से 2 बार चला दिया था। तो रेडी है हमारी डिलीशियस और टेस्टी सब्जी। इसको इजीली आप 2 से 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और इसका टेस्ट ले सकते हैं। और अब मैं इसे डाल रही हूँ सर्विंग बाउल में। फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।